जरूर जिम्मेदारी देगी। दीप्ति रावत जी, अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर अगर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, तो महज 12% यानी 12% की भागीदारी है, जबकि बात होती है 30%, 35%, 40%, लेकिन सिर्फ 12%। देखिए, जैसे कि अभी वरिष्ठ पत्रकार डीएस कुंवर जी ने कहा, एक बात से तो मैं उनकी बिल्कुल सहमत हूँ कि जो 33% का वुमेन रिजर्वेशन का जो विधेयक है वो पास होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन मैं इस पे एक सवाल मेरे को नजर आता है कि दरअसल ये नियत का सवाल है। एक्चुअली क्या है कि इन सरकारों की, मैं खाली भाजपा की बात नहीं करूंगी, भाजपा की तो नियत पे खैर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अभी चाहे तो वो लोग इस विधेयक को आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि आरक्षण जैसे विधेयक और कई ऐसे विधेयक बड़ी आसानी से कैबिनेट ने पास कर दिए। मतलब नियत पर, नियत पर सवाल है कि कहीं ना कहीं नियत में खोट नजर आती है, नियत में खोट नजर आता है कि आप दुनिया भर के देखिए ढिंडोरे पीटते रहे हैं कि महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहला कदम है कि आप 33% का जो आरक्षण है इसमें विधेयक, ये आप पास करें। सबसे पहला सवाल ये है, वो कब पास होगा, त्रिवेंद्र सरकार इसका जवाब दे जी। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि भागीदारी की आप बात कर रहे हैं, अब फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है कि भागीदारी कहाँ से करेंगी महिलाएं। भागीदारी आप महिलाएं कर ही नहीं सकती हैं, जब आप उनको वहीं रोक देंगे, चुनाव लड़ने से ही आप एक तरीके से उन्हें रोक रहे हैं, तो भागीदारी का सवाल कहाँ से पैदा होता है। अब उसकी जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, मिलीजुली सरकार बनी, ठीक है, मिलीजुली 32 सीटों की सरकार में भी उन्होंने 2 सीटें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस का बहुत अच्छा रुख रहा, लेकिन उसमें भी उन्होंने चलो काम चलाने के लिए 2 सीटें महिलाओं को दे दी। अब इनका क्या है, 57 इनको सीटें मिली, 57 में आप रेशियो देख लीजिए महिलाओं का क्या रेशियो है, 4 महिलाएं जीत करके आती हैं और मुश्किल से हालत यह है कि 1 महिला रेखा आर्या जी को इन्होंने राज्य मंत्री बना रखा है, उसमें भी वो एससी है, उसमें भी ये मेरे को नजर लगता है कि ये एससी कोटा भी उसमें कहीं ना कहीं से देख रहे हैं कि एक एससी भी हो जाए, महिला भी हो जाए, सब निपटारा इनका एक ही सीट में हो जाए, ठीक है। अच्छा, 1 सीट दी वो भी राज्य मंत्री दी, अरे मतलब कम से जातीय कम... जातीय समीकरण बनाने वाली स्थितियां रहती हैं राजनीतिक दलों में, कि किस तरह से उस समीकरण को मेंटेन किया जाए, किस तरह से उस समीकरण को बनाया जाए जी, आपका मतलब ये है जी। उमा जी और सीमा जी, दीप्ति रावत जी कुछ कहना चाहती है। दीप्ति रावत जी, मैं सीमा जी की बात से बिल्कुल भी तकल्लुफ, ये वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनकी एक बात से, इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। ये भी कह रही थी कि महिलाएं खुद ही आगे नहीं आती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहली बात तो एक महिला होने के नाते आप खुद ही महिला विरोधी बात कर रही हैं। महिला विरोधी की बात करी मैंने, मंच की बात करी। आप जब तक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, आप महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे। महिलाओं को हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक महिला होने के नाते आप ऐसी बात कर रही है, मुझे तो शर्म आ रही है आपके ऊपर भी। नहीं, आप एक महिला होने के नाते, कोई शर्म नहीं आ रही इस बात, मुझे आ रही है ना, हमारी महिलाएं होती है अपने आप मंच पे नहीं जाती है, पुरुष नहीं कोई ऐसी बात चले जाते अपने आप, ये बात सच्चाई है, ये बात मैंने खुद देखा है। हमने कोई ऐसी बात ही नहीं करी, हमने कोई ऐसी बात ही नहीं करी कि आपको शर्म आए, आपने ऐसी बात करी इसलिए हमें शर्म आ रही है। लेकिन मंच पर बुलाता कोई नहीं, महिलाओं को तो चाहते हैं कि साहब नीचे रहिए, मंच पर तो पुरुष ही रहेंगे। सच्चाई क्यों है सीमा जी आप एक तरफ तो कहती हैं कि हम कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब मंच की बात आती है तो आपको मंच पर नहीं बुलाया जाता, तो ये तो आपकी सरकारों के अंदर कमी है, आपके उन नेताओं के अंदर कमी है कि सम्मान क्यों नहीं देते। मतलब पार्टी जो है ग्रेजुअली अब जो है वुमन कैंडिडेट की तरफ जो है ये मोर एकोमोडेटिव हो गया, वुमन को अच्छी अच्छी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आप अपने राज्य की बात करिए ना पहले, आप उत्तराखंड राज्य में बैठी हैं, आप पहले अपने राज्य की बात करिए ना, आपके राज्य की स्थिति क्या है, एक मंत्री आप कैबिनेट में शुरू करेंगे तब राज्य तक पहुंचेंगे हम, आप अपने राज्य की बात करिए ना पहले, एग्जांपल तो देखिए सुनिए पहले, आप अपने राज्य की बात करिए, एक भी काबीना मंत्री नहीं दे सके आप, कम से कम हमारे रेखा आर्यन जी है ना, क्या है रेखा आर्यन जी, क्या है वो राज्य मंत्री है, पहले ये आप जान लें कि वो राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री अगर आप, एक कैबिनेट मंत्री अगर आप दे देते राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री में फर्क करिए मैडम पहले, आप अगर काबीना मंत्री होती ना वो औरतों पर विश्वास रखते तो
बिना मंत्री बनाते। दरअसल क्या है, भाजपा को औरतों पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है, महिलाओं पे बिल्कुल। एक मंत्री सक्षम है तो दिखाता ना, सक्षम है तो भाजपा दिखाता, सक्षम होता तो दिखाता भाजपा अपने मंत्रियों के वितरण में दिखाता। एक एक राज्य मंत्री आपने दिया, वो भी उनकी भी स्थिति क्या है, वो रोज अखबारों में हम पढ़ते हैं। आप एक नहीं, ये नहीं कर सके एक काबीना मंत्री दे देते कि वो अपने फैसले खुद ले सकती। राज्य मंत्री दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहता है, आप इसको जाने। सीमा जी, सबसे पहले दीप्ति रावत जी, आप समाज सेवी हैं और पूरा आपने सुना कि बीजेपी कांग्रेस ने क्या किया। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड के अंदर ये जो पार्टियां कह रही हैं वो बहुत सच है? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो बिल्कुल झूठ लगता है। जो कि मैंने शुरू में ही एक सवाल पार्टियों पे दागा था कि इनकी नियत पे ही सवाल है। पहली बात तो मैं सीमा डोरा जी से भी कहना चाहूँगी और कमलेश रमन जी से भी, बात दोनों से ही कहना चाहूँगी। सीमा जी से अभी इसलिए क्योंकि इनकी सरकार है कि जो भी भाजपा की महिलाएँ हैं, कार्यकर्ता हैं, आप लोग सबसे पहले तो एक अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक सबसे पहले एक जुलूस निकालें और उनसे सवाल करें। आप अपनी ही पार्टी से सवाल करें। चलिए सर, एक मिनट बस, मुझे एक लाइन दीजिए। सुन लिया हमने आपको, क्योंकि